श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगक्षेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं 23वां अध्याय, एक तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है, वह ही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। यहाँ लिखा है प्रश्न, कौन सा प्रश्न किया था उद्धव जी ने पिछले अध्याय में, फिर से पढ़ा देता हूँ कि क्या कहा था। उन्होंने कहा था, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जो आपके भागवत धर्म का पालन कर रहे हैं, इसका अर्थ है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर जो चल रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है। जैसा यहाँ भगवान ने बताया था, किसी भी उपद्रव से शुभ नहीं होना चाहिए, इन सब से अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, थूके और ये सब करे, उससे बिल्कुल भी शुभ नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी ने बताया कि जो भागवत धर्म पे नहीं चल रहे हैं उनके लिए तो ये करना बहुत ही कठिन है, तो आप इसके लिए कोई मार्ग बताइए सरल सा जिससे हम इसको कर सकें। ठीक है, तो फिर मैं इसको पढ़ता हूँ। फिर भगवान ने क्या कहा कि भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य। इसका आंसर भगवान ने क्या दिया, इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय है कि आप भगवान की लीला कथा का श्रवण कीजिए, भगवान की लीला कथा ही श्रवण के योग्य है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको डिब्बे में बना दिया। भगवान की लीला कथा इसका आंसर है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके इस प्रकार कहा। वास्तव में यहाँ लिखा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, बृहस्पति जी के शिष्य थे ना, इस संसार में प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। भगवान ने बताया कि ऐसे संत जो हैं वो नहीं मिलते हैं। कैसे संत? जो अपमान को सह लें। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वृंदावन में संत थे जो कहते थे कि जो सह लेते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को। वो भागवत धर्म बता रहे थे। अगर ऐसे कोई सुने कि इन संत ने कहा कि जो सह लेते हैं अपमान को, वह प्राप्त कर लेते हैं भगवान को, क्या ये भागवत धर्म है? ऐसे सुन लेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये कहाँ भागवत धर्म। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है कृष्ण भगवान ने 22वें अध्याय में बहुत अच्छे से समझाया, यहाँ पे 57 से 58 श्लोक में, कि ये भागवत धर्म है। और भगवान ने बताया कि ऐसे संत पुरुष जो हैं वो मिलते नहीं हैं जो दुर्जनों की कटु वाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग्बाण पहुंचाते हैं, जितने शब्द पहुंचा देते हैं उसको, इसका अर्थ है उतना उसको बाणों से नहीं लगता, शब्दों से इतना लगता है। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था, उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे, उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत से धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। वह बहुत ही कृपण कामी और लोभी था, क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया, खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या, वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी
सुखी नहीं करता था। उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिश्चित चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता था और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्यों का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ लोग कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हुआ हो गया। ये कब होता है? ये भी भगवान की कृपा से ही होता है। जो यहाँ लिखा है ना, दुख बुद्धि, संसार में जो दुख बुद्धि उत्पन्न होती है वो भगवान की कृपा से होती है। और उत्कट वैराग्य हो गया उसको। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोभ यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहां देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए। कौन कौन से धन के कारण दोष माने गए, मैं फिर से पढ़ता हूँ। चोरी, ये सब धन के कारण दोष होते हैं। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा कंपटीशन को कहते हैं, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अनर्थ अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी शुभ और क्रुद्ध हो जाते हैं, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। सगे संबंधी में भगवान ने बताया कि प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, ऐसा हम देखने सुनते भी हैं आज के समय में। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वह अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। ये मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। यहाँ स्वर्ग का अर्थ क्या है? ऊँचा लोक, ठीक है, ये स्वर्ग देवता वाला स्वर्ग नहीं है। मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और इनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं करता और ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला,
कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा? मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना हो, अवश्य ही यह संसार माया, किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से, तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। यहाँ लिखा है सकाम कर्मों से भी क्या लाभ है, अच्छे कर्मों से भी क्या लाभ है, क्योंकि वह अच्छे कर्म अपना पुण्य फल दे के समाप्त हो जाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है। भगवान की कृपा हो गई ना, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। ये जो है ये भगवान की कृपा है, जगत के प्रति दुख बुद्धि और वैराग्य। वस्तुतः वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो दो घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। दो घड़ी में भगवत प्राप्ति कर ली थी, लिखा है राजा खटवांग ने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, इस प्रकार उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वे शांत होकर मौनी सन्यासी हो गए। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांवों में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान ना पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक लेता। कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को इधर उधर डाल देते। कोई कोई वे वस्तुएं देखकर और कोई दिखला दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी ना बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता तो कोई कहता इसे बांध लो और फिर उससे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया, तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है। ओहो, देखो तो सही, ये मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। ये मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच ये बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चयी है। ऐसे ऐसे लोग उसको कहते। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता, जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं। वैसे उसे भी वह लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते, किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार नहीं होता। ऐसा वो बता देते हैं, ऐसे संत मिलना बहुत मुश्किल है जिसने कोई विकार ना हो, तो उनके मन में इस पर भी कोई विकार ना होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता।
ब्राह्मण कहता, मेरे सुख अथवा दुख का कारण ना ये मनुष्य है, ना देवता है, ना शरीर है, ना ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका कारण, परम कारण बतलाते हैं, क्योंकि मन ही चिंतन करता है और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच ये मन बहुत बलवान है, इसी ने विषयों, इनके कारण गुणों और उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक, राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियां होती हैं। उन्होंने कहा कि कर्म से ही फिर पुण्य पाप होते हैं और उसी से विविध गतियां होती हैं। मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है, उसके साथ रहने पर ही भी आत्मा निष्क्रिय ही है, वह ज्ञान शक्ति प्रधान है, मुझ जीव का सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है। मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है, तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उनसे बंध जाता है। ये बताया कि जीव कैसे बंध जाता है। दान, अपने धर्म का पालन, नियम, यम, वेदाध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य आदि श्रेष्ठ व्रत, इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए, भगवान में लग जाए, माया से हटकर मन भगवान में लग जाए। मन समाहित हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियां मन के वश में नहीं है, वश में हैं। मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो इसको अपने वश में कर लेता है, वही देव देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण असह है। यह बाहरी शरीर को नहीं, हृदय आदि मन स्थानों को भी भेदता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न नहीं करते, नहीं दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वह इस मनह कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा। इसका परिणाम यह होता है कि वह इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं। यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है, तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुँचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपनी जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे, तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा। यदि ऐसा मान लें कि देवता ही दुख के कारण हैं, तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं, तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं और देवता सभी शरीरों में एक है। जो देवता एक शरीर में है, वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए, तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है, तो वह तो अपना आप ही है, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या है। इसलिए ना सुख है और ना दुख, फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने, तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होता है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है। किसी का भी इफेक्ट, उन्होंने बताया कि माया का किसी की जितनी भी चीज़ें, उनका इफेक्ट माया पर ही पड़ता है। देवताओं का भी और जो भी जितने भी हैं, सब इफेक्ट माया पर ही डाल सकते हैं, जीव पर नहीं डाल सकते हैं। लिखा है ना, आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे हैं, ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे हैं, तब भला वह किस पर क्रोध करे। यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने, तो उनसे आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वह तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकता है। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है, उसी से कर्म हो सकते हैं।
अतः वह विकारयुक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन। किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर क्रोध किस पर करें? यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप ही है। जैसे आग आग को नहीं जला सकता और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता, फिर किस पर क्रोध किया जाए? आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है। आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेश संबंध और गंध से भी रहित है। उसे कभी कहीं किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। और बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही। अंत में करना क्या है? भगवान के चरणों की सेवा करनी है। भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित ना हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधना का इतना ही सार संग्रह है। क्या सार संग्रह है, फिर से पढ़ता हूँ। लिखा है, इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता, ये तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है, सब मिथ्या है, भगवान ने बताया। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारी योग साधन का इतना ही संग्रह है। ये भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है, वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान धारता रहता है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे, 24वां अध्याय, सांख्य योग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।